अस्सलामुअलैकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि ईद की छुट्टियों से पहले हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी तक पढ़ा था, तो अब हम आगे मूव करते हैं कि हमने आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। आंसर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हैं सवालों के जवाब हैं। पहला सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे। ये तो हम सबको पता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। इसका आंसर क्या है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। दूसरा सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते रहे। दूसरा सवाल क्या है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते रहे। इसका आंसर इधर ही है, वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते रहे। वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते रहे। तीसरा सवाल है, अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सज़ा दी। अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सज़ा दी। अल्लाह ताला ने पानी का अज़ाब नाजिल किया। कौन सा अज़ाब नाजिल किया, पानी का अज़ाब नाजिल किया। चौथा सवाल है, नाफरमान लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ाक क्यों उड़ा रहे थे। नाफरमान लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ाक क्यों उड़ा रहे थे। इसका जवाब है, वो लोग जब आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। ठीक है, वो लोग जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को काम करते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। सवाल नंबर 5 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में क्या क्या रखा। ठीक है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा रखा। तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा रखा। कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी उसका क्या नाम था। कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी उसका नाम कोहे जूदी। उसका क्या नाम था, कोहे जूदी, जूदी पहाड़। ठीक है, तो आगे है, मंदरजा ज़ैल अल्फाज के जुमले बनाइए। ये जो हमें अल्फाज दिए हुए हैं, सज़ा, जंगल, मजाक, कश्ती, बारिश, पहाड़, ये तमाम अल्फाज सबक में से ही हैं, तो इसके जुमले हमें सबक में से भी मिल सकते हैं और हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। पहला है सज़ा। सज़ा, लोगों को अल्लाह ताला की नाफरमानी की सज़ा मिली। लोगों को अल्लाह ताला की नाफरमानी की सज़ा मिली। दूसरा है जंगल। जंगल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी जंगल में कश्ती बना रहे थे। फिर है मजाक, लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। कश्ती, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी कश्ती बनाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी कश्ती बनाई। बारिश, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पहाड़, कश्ती है को मैंने पहाड़ का बनाए, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। ये बहुत बड़ा पहाड़ है। ठीक है, और नीचे है, अब कवायद देखें, सींग, वीज़ा, पालतू, जंगली, टांगें, नुकीले, रफ्तार, ख़तरनाक। मंदरजा ज़ैल अल्फाज को क्या करना है, आपने हरूफ़ तहजी की तरतीब के मुताबिक लिखना है। ठीक है, हरूफ़ तहजी की तरतीब के मुताबिक, पता है ना आप लोगों को हरूफ़ तहजी की तरतीब, अलिफ़, बे, पे, ते, टे, से। ठीक है, इस तरतीब से, जिस तरतीब से हरूफ़ तहजी है उसी तरतीब से अल्फाज ढूंढ के आपने लिखने हैं। तो इसमें देखें, अलिफ़ वाला कोई लफ्ज़ नहीं है, बे वाला भी कोई लफ्ज़ नहीं है, पे से क्या है, पालतू, पे के बाद क्या आता है, ते, टे, से, जीम, जीम से क्या है, जंगली, क्या आएगा यहाँ पे, जंगली, क्या आएगा, जंगली, फिर जीम के बाद क्या है, चे, हे, खे, खे के बाद क्या आता है, ख़तरनाक, ठीक है, ख़तरनाक, दाल, डाल, जाल, रे, रे से क्या आ रहा है, रफ्तार, रे, अड़े, जे, जोए, सीन, इधर से देखे जीम, पे के बाद हमारे पास टांगे भी आता है, टे, फिर आता है जंगली, उसके बाद आएगा सींग, सीन से सींग, फिर आएगा गाइन से गिज़ा और नून से नुकीले। ठीक है, हमने इसी तरतीब से इन्हें लिखना है, नीचे जगह बनी हुई है। आगे है, दिए गए रंगीन अल्फाज की जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखिए।
ठीक है। कुछ ही लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनी, कुछ ही लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनी, ठीक है। सॉरी, हमने इसकी अब जमा बनानी है। कुछ ही लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातें सुनी, ठीक है। कुछ ही लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातें सुनी। बहुत साल तक उनकी कोशिश कामयाब ना हुई, बहुत सालों तक उनकी कोशिशें कामयाब ना हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जंगल में जाकर लकड़ी काटनी शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी, ठीक है। कुछ लोग मकान की छत पर चढ़ गए, कुछ लोग मकानों की छतों पर चढ़ गए, ठीक है। आपने जो जो अल्फाज अंडरलाइन है उनकी जमा बनानी है, ठीक है। तो उसी के बाद पे नंबर 12 पे है, जानवरों के मुज़क्कर और मोनस पढ़िए और अपनी कॉपी में फहरिस्त बनाइए और याद भी कीजिए, ठीक है। शेर शेरनी, हिरन हिरनी, घोड़ा घोड़ी, ऊँट ऊँटनी, बकरा बकरी, बंदर बंदरिया, बिल्ला बिल्ली, बैल गाय, भैंसा भैंस, चूहा चूहिया, बछड़ा बछिया, मेंढा भीड़, ठीक है। आपने इनको अपनी कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। नीचे कॉलम है, उनको आपने मैच करना है, जैसे घोड़ा बछड़ा, मेमना, मेमना किसका होता है, बकरी का ही होता है ना, मेमना बकरी, गाय का क्या होता है, बछड़ा, मुर्गी का चूजा, बिल्ली का बलूंगड़ा, ठीक है। आपने इसको इनके साथ मैच करना है। जानवरों के बच्चे के बच्चों के नाम उनके अपने नामों के साथ हमने मिलाने हैं, घोड़ा बछड़ा, बकरी मेमना, गाय बछड़ा, चूजा मुर्गी चूजा, बिल्ली बलूंगड़ा, ठीक है। इनको भी आपने मैच करना है, ये मुज़क्कर मोनस है, इन्हें आपने कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। उसके बाद ये मैंने जो आंसर क्वेश्चन है ये आपने कॉपी पे लिखने हैं, याद करने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज हमारा ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, ये वाला लेसन जो है, ये वाला सबक मुकम्मल हो गया है। तो कल हम अपना नया सबक स्टार्ट करेंगे। तो इसकी आपने एक्सरसाइज अच्छी तरह से याद करनी है, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।